हम लेके आए आपके लिए Y30 Vivo का, जो कि आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर को मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो देखिए और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीत सकते हैं इस फोन को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो नॉर्मल फोन लेके आते हैं स्मार्टफोन, तो उसके अमर ऊपर क्या करते हैं, हम एक ग्लास जरूर डलवाते हैं ताकि हमारा स्मार्टफोन सेफ्टी के साथ रह सके। तो आज हम लेके लाए हैं बहुत सारे ग्लास, एक नहीं बहुत सारे, तो हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं इस ग्लास के साथ में, ताकि देखते हैं कि हमारा फोन कितने ग्लास तक वर्क कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक बाई एक की ट्राई लेंगे कि हमारा फोन कितनी ग्लास तक वर्क कर रहा है। देख सकते हैं कि अभी हमारा स्मार्टफोन बिल्कुल सही कंडीशन में और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ग्लास लगा के देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि एक ग्लास के साथ में तो हमारा फोन अच्छे से वर्क करता है। तो अब हम इसके ऊपर आई थिंक और ग्लास डालते हैं। तो गाइस अब हम लगा लेते हैं सेकंड ग्लास। तो आप देख सकते हैं कि दो ग्लास के साथ में तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा फ़ोन। तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तीन चार ग्लास एक साथ लगा लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी ट्रायल। तो यार गाइस इसके ऊपर अभी तक हम चार ग्लास लगा चुके हैं, फिर भी हमारा फ़ोन बिल्कुल उसी कंडीशन से काम कर रहा है जिस कंडीशन से फर्स्ट ग्लास में कर रहा था। तब हम इसके ऊपर तीन ग्लास एक साथ लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन काम कर पाएगा। अब देखते हैं गाइस इसके ऊपर अभी हम 7-8 ग्लास हो चुके हैं। ओह शिट गाइस, ओ फिर भी तैयार गाइस बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है जिस तरीके से पहले कर रहा था। देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर हमने 6-7 ग्लास लगा चुके हैं। अब और ट्रायल करते हैं इसके ऊपर कि कब तक हमारा फ़ोन वर्क कर पाएगा। प्रोसेस जारी रखते हैं हम। जब तक फोन काम करेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे, ग्लास के ऊपर से ग्लास। ओ गाइस तो देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ग्लास चढ़ चुके हैं हमारे फोन के ऊपर, जितनी फोन की परत है उतनी ही ग्लास की परत हो चुकी है। और अब देखते हैं, ओ शिट, ओ गाइस बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारा फोन अभी भी वर्क कर रहा है बिल्कुल उसी, थोड़ी बहुत हार्ड कंडीशन में कर रहा है लेकिन फिर भी हमारा फोन बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो आइए और ग्लास चढ़ाते हैं इसके ऊपर। तो यार गाइस स्मार्टफोन के ऊपर इतने ग्लास के साथ में काम कर रहा है हमारा फोन, बिल्कुल मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने फोन, मतलब देख सकते हैं आपकी जितनी इसकी बॉडी है उतने ही ग्लास की परत जम चुकी है लेकिन फिर भी हमारा कंडीशन वही है। अब हम लगाते जाते हैं कि और ग्लास कितने तक हमारा फोन काम कर पाएगा। अब देखते हैं गाइस। शुट गाइस आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमारे टच ने काम करना बंद कर दिया है, देख सकते हैं कि बिल्कुल भी। तो यार गाइस हमारा फ़ोन एक स्मार्टफोन 7-8 ग्लास तक तो वर्क बिल्कुल अच्छे से कर रहा था लेकिन 8-10-11 ग्लास के बाद में हमारे फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल भी टच नहीं चल रही है। देख सकते हो आपकी कितने ग्लास हो चुके हैं इसके ऊपर। तो प्लीज़ यार वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।
कमेंट्स में। और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 12 ग्लास के बाद में हमारे फोन ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी देख सकते हैं कि आप बिल्कुल बॉडी से ऊपर की परत हो चुकी है इसकी, और ग्लास भी काफ़ी यार बहुत ही अमेजिंग अजीब सा दिख रहा है हमारा फ़ोन। मैं तो अगर इस कंडीशन में अगर फ़ोन काम करता तो मेरा इतना ही ग्लास लगा के मैं फ़ोन को चलाना बेहतरीन पसंद करता, क्योंकि फ़ोन का लुक्स देख सकते हैं आप काफ़ी चेंज हो चुका है। तो चलिए गाइस यार, आज हम इसी वीडियो में आपके लिए लाए थे एक नया फ़ोन, जो कि आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर को देना चाहते हैं हम, जो कि ये है हमारे पास में वीवो का Y30। अभी हम आपके इसी किसी एक सब्सक्राइबर को देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे इंस्टाग्राम पर लाइक करें, और इसी फोटो का पोस्ट रहेगा उस फोटो पर जाके कमेंट्स करें और वीडियोज पर कमेंट ज़रूर करें, तो हम किसी एक कमेंट वाले को देखेंगे और उसको अच्छे से लगेंगे तो उसको हम ये फ़ोन ज़रूर गिफ्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी किसी एक सब्सक्राइबर के पास में जाने वाला हमारा ये वीवो Y30।